नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जोबनी फैमिली। आज मैं बहुत ही सुंदर जगह से आपका वेलकम कर रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे ना मैं हमेशा आती हूँ, मतलब हर तीसरे चौथे दिन मैं आती हूँ यहाँ पर। मैं फ्लावर्स लेती हूँ अपनी डेक्स के लिए, तो यहाँ पे फ्लावर्स बहुत अच्छे मिलते हैं। बट यहाँ स्पेशल क्या था, जो मैंने व्लॉग स्टार्ट किया यहाँ पर ना, बहुत सुंदर सुंदर गणपति जी के लिए ना ऐसे बैकग्राउंड बनाए जा रहे हैं। ठीक, और दिखाऊँ आपको, ये देखो कितना सुंदर अम्ब्रेला करके और यहाँ पर ऐसे उसमें लटकत दी हुई है ना सुंदर। और ये देखिए, ये पूरा एक पंडाल टाइप बनाया है यहाँ पर, ऐसे पूरा पंडाल टाइप बनाया हुआ है। और यहाँ पर नीचे आप इस तरीके से स्थापना कर सकते हो गणपति जी की, है ना कितना सुंदर। तो मैंने सोचा ये आपको दिखाना तो बनता है और ब्लॉग भी करना बनता है। गणपति जी का पता नहीं हमारे घर कब आएंगे। डैडी डैडी बोल रही नहीं, गणपति जी हमारे घर कब आएंगे पकड़ो। तो बताइए गणपति जी के कब आएंगे, हो गए भैया? तो आई जाए मेरे मेरे फूल जो आज मेरे डेस्क पे लगने वाले हैं। हाँ तो बताओ गणपति जी का क्या है? गणपति नेक्स्ट ईयर कम्प्लीटली आ जाएंगे। पक्का 100%। मैं आपको बता दूँ 2015, 16 and 17 में आए थे। हाँ तो 2015 में मेरी शादी हुई थी, हम 15 में, 16 में और 17 में लेकर आए थे। उसके बाद 18, 19 और अभी तक नहीं आए हैं। बहुत सारे रीज़न है उसके पीछे, क्योंकि जब आप गणपति जी लाते हो तो आप दरवाज़ा बंद करके या उनको ऐसे पीठ दिखा के नहीं आ सकते हो। उनका दोपहर में भोग लगता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पर अकेले रहते हुए ना हम ये सब कर नहीं सकते। उस टाइम पे इन लॉज साथ में थे, मदर इन लॉज साथ में थी, तो वो पीछे से भोग वगैरह मैं सब सुबह बना जाती थी, बट पीछे से उनको दोपहर का खिलाना ये सब करना वो सब बहुत अच्छे से कर लेते थे, तो इसलिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा। पर नेक्स्ट ईयर कुछ चीज़ें सोची हैं, अगर वो प्लान आउट हो गई उस तरीके से तो डेफिनेटली हम लोग नेक्स्ट ईयर गणपति जी लाएंगे। और मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिया, अगर आप लोग अपने घर में गणपति जी ला रहे हैं तो इस तरीके की शॉप है जो फ्लावर्स वाली, वो लोग ऐसी चीज़ें रख रहे हैं ऑलरेडी बना के, तो आप ऐसे ले सकते हैं रेडीमेडली भी और अपने घर में स्थापना कर सकते हैं। और जहाँ पर मैं हूँ आपको मैं इनके बारे में भी बता दूँ, ये इनका कहाँ पर है। बेसिकली ये नोएडा में है, आप लोग अगर नोएडा के आसपास हो तो यहाँ से देख सकते हो। मैं बता देती हूँ ये कहाँ पर पड़ता है। भैया अपना इसका लोकेशन का वो बता दो जरा। 29 सेक्टर है, DPS रोड है, DPS रोड बट साइज सेक्टर टी पॉइंट पे ही है। ठीक है, 29 सेक्टर है ये DPS वाली रोड पे, और इधर ही ये बैठते हैं और यहीं पे इन्होंने सारा लगाया हुआ है ये पंडाल टाइप डेकोरेशन, बैकग्राउंड डेकोरेशन आप बोल सकते हो। तो जल्दी जल्दी आइए और लेके जाइए अपने गणपति जी के लिए सुंदर सुंदर बैकग्राउंड। चलिए मिलती हूँ आपसे आगे, बाय।